सारे एनर्जी Assalamualaikum everyone, we're back again with another episode of Ask the Coach. और आज जो हम question cater कर रहे हैं वो मैडम समीन अंसार ने पूछा है और वो question ये है कि how does EI जो emotional intelligence होती है how important it is and what role does it play in your personal life and in your career. तो ठीक है, thank you समीन for asking this question. I think it goes on as one of the most important topics nowadays. लेकिन सबसे पहले तो हम समझें कि emotional intelligence हम कहते किसको हैं और इसकी सबसे simple explanation हम इस तरीके से ले सकते हैं कि देखें EI उस ability का नाम है कि इंसान अपने खुद के emotions को समझ सके और अपने emotions से जो reactions निकलते हैं उन reactions को control कर सके. इसको और इस तरीके से आप कहेंगे इट इज अबाउट बीइंग अवेयर ऑफ योर इमोशंस एंड द इमोशंस ऑफ द अदर पर्सन एंड व्हाइल बीइंग अवेयर आप अपने एक्शंस और अपने रिलेशनशिप्स को उसी हिसाब से आगे लेके चलें. और जिन लोगों के अंदर EI की एबिलिटी होती है और ये एबिलिटी और ये अवेयरनेस होती है वो अपने लाइफ में और अपने पर्सनल लाइफ में अपने करियर में हमेशा उन लोगों से बहुत बेहतर करते हैं जिनके अंदर ये एबिलिटी कम होती है. अगर आप इसके एग्जाम्पल लें कि दो लोग एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, अदन अनस को प्रोजेक्ट डिले हो गया तो अदन अनस को ये बोलती है कि भाई ये सब तुम्हारी गलती है और तुम्हारी वजह से हमेशा ये होता है. उसी के रिस्पांस पे अनस बोलता है कि आई डोंट केयर कि तुम्हें क्या लगता है, ये सब तुम्हारी गलती है. सो जस्ट इमेजिन कि उस प्रोजेक्ट का क्या होगा. इसी सिनेरियो को अगर आप EI के थ्रू ट्रीट करें और अदन ये बोले कि आई एम रियली वरिड फॉर द प्रोजेक्ट और अनस हमको बैठना चाहिए और बैठ के डिस्कस करना चाहिए कि कैसे हम इम्प्रूव करें और उसी के रिस्पांस में अनस का यही जवाब आएगा कि आई अंडरस्टैंड दैट यू आर वरिड, यस लेट्स सिट टुगेदर एंड रिजॉल्व. तो देखिए ये डिफरेंस है किसी चीज को इमोशनल इंटेलिजेंस के साथ डील करने का और उसके बगैर डील करने का. अब लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, करियर में, हर जगह पे जिन लोगों के अंदर EI होता है वो हमेशा बेटर टीममेट्स होंगे एंड दिस इज अ गिवन, क्योंकि जहरी बात है वो दूसरे के इमोशंस को जब समझते हुए डील करेंगे तो ना टीम सिर्फ बेटर स्मूथली ऑपरेट करेगी बस उस टीम का आउटपुट भी हमेशा ज्यादा होगा. अगर आप लीडरशिप रोल पे हैं तो आपको कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में इट विल ग्रेटली हेल्प यू. अनदर फैक्टर जो कि बहुत लोग मिस करते हैं वो ये है कि जिन लीडर्स के अंदर जो इमोशनली स्मार्ट होते हैं लीडर्स वो अपनी टीम को मोटिवेट भी बहुत बेटर कर सकते हैं कंपेयर टू दोज जिनके अंदर ये एबिलिटी कम होती है. पर्सनल लाइफ में पेरेंटिंग हो गई, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन हो गई, इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग बहुत बड़ा फैक्टर है जिसमें जो लोग लॉजिकली और इमोशनली दोनों चीजों को सामने रखते हुए डिसीजन लेते हैं तो वो डिसीजन हमेशा बेटर होता है और बैलेंस्ड होता है. तो देखें इन समरी EI जो है वो एक फाउंडेशन ले करता है फॉर अ होस्ट ऑफ एसेंशियल स्किल्स एंड इट अफेक्ट्स एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ. तो जो लोग इमोशनली स्मार्ट होंगे वो ज्यादा खुश भी रहेंगे, वो ज्यादा बैलेंस लाइफ गुजारेंगे और अपने करियर में उन लोगों से बहुत बेटर करेंगे जिनके अंदर ये एबिलिटी कम होती है. तो यस इट्स एन एसेंशियल थिंग टू हैव एंड एवरीवन मस्ट ट्राई टू डेवलप इट एज मच एज दे कैन.